जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैंटोनमेंट बोर्ड भर्ती 2019 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि 8वीं 10वीं 12वीं वाले कैंडिडेट ऑल इंडिया से आवेदन कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पर दोस्तों उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पर पोस्ट वाइज जानकारी जान सकते हो। सफाई वाला के लिए 13 पद है और इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपसे प्राइमरी स्कूल पास यानी कि आपके पास 8वीं पास की योग्यता होनी चाहिए और इसमें जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 25 साल है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी को 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। पे स्केल यहाँ पर आपको जो दिया जाएगा वो लेवल वन का होगा। लेवल वन के अंदर क्या सैलरी आती है आप ये गूगल में चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी जानने को मिल जाएगी। दूसरी आपकी पोस्ट है फिटर वाटर सप्लाई की, इसके लिए 1 पद है और इस पर भी आवेदन करने के लिए आपसे प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड पास विद ट्रेड टेस्ट पास एज फिटर वाटर सप्लाई आपसे मांगी है और यहाँ पर आपको जो सैलरी दी जाएगी वो लेवल 2 की दी जाएगी। फिर आती है आपकी चौकीदार की पोस्ट, इस पोस्ट पर आपसे बिलो मैट्रिकुलेशन या फिर 10वीं आपके पास ये तो 10वीं से कम या फिर 10वीं की योग्यता होनी चाहिए। इसमें जो दो पद निकाले ये यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए निकाले गए हैं और यहाँ पर भी आपकी एज लिमिट सेम रखी गई है। इसके बाद आती है आपकी एलडीसी की पोस्ट, इस पर आवेदन करने के लिए आपसे एचएसएलसी यानी कि 12वीं पास की योग्यता मांगी है और यहाँ पर आपको लेवल 5 की सैलरी दी जाएगी। आप यहाँ पर आप कुछ इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हो, इसमें आपको जो आवेदन करना है वो आपको ऑफलाइन माध्यम से करना है यानी कि आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा शॉर्ट में जानकारी बताता हूँ। इसमें जो आपकी फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि रखी गई है वो आपकी 2 जनवरी 2020 है, यानी कि जब आप फॉर्म सेंड करोगे तो आपका फॉर्म 2 जनवरी 2020 से पहले पहुंच जाना चाहिए। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो जनरल के लिए ₹100 है और एससी एसटी ओबीसी के लिए ₹50 है, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी। एज लिमिट यहाँ पर आप चेक कर सकते हो और डिमांड ड्राफ्ट आपको जिनके फेवर में पे करना है वो है आपका ड्रॉ इन फेवर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शिलोंग कैंटोनमेंट बोर्ड। और यहाँ पर दोस्तों आप वैकेंसी देख सकते हो कैटेगरी वाइज और साथ ही उन पर आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है ये भी आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो आपका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा ये भी आप यहां से जान लीजिए। इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा और ये आपका किस पोस्ट के लिए क्या होगा ये आपको टाइम टू टाइम मालूम हो जाएगा, क्योंकि इन पर अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग आपका सिलेक्शन मोड रहने वाला है, वो आपको टाइम टू टाइम मालूम हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात अप्लाई की जाए कि आपको इन पोस्ट का फॉर्म कैसे भरना है तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें अप्लाई ऑफलाइन करना है, यानी कि अप्लाई ऑनलाइन आप इसमें नहीं कर सकते। आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिलअप करके इस एड्रेस के ऊपर भेजना होगा जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो और ये आपको 2 जनवरी 2020 से पहले भेजना होगा। अगर आप मेघालय एंड असम के अलावा किसी अन्य स्टेट से फॉर्म को भर रहे हो तो आपको इस डेट से पहले इसको भेज देना है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके ऊपर मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बोल दीजिए। अगर आपके इस बारे में अच्छे कमेंट आते हैं कि हाँ सर आप हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो दीजिए तो मैं आपके लिए आज ये वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों बस यही थी आपकी कैंटोनमेंट बोर्ड शिलोंग भर्ती 2019 के बारे में जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।